हेलो नाइन्थ क्लास क्या हाल है भाई ट्वेल्व पॉइंट वन की वीडियो छोटी सी बनाई थी हेरॉन्स फॉर्मूला पे उम्मीद है समझ में आ गया होगा कैसे करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल की अगर बात करते हैं तो निकालते कैसे हैं साइड्स दी हुई हैं कैसा तरीका लगाना है वही एक मेथड है और वही पूरी एक्सरसाइज पे अप्लाई होगा उम्मीद है वो क्वेश्चंस करे होंगे आज ट्वेल्व पॉइंट टू की कुछ चीज़ें बताऊँगा पूरी वीडियो अगर तसली से सबर से देखोगे तो छोटी छोटी वीडियो होती है दस से पंद्रह मिनट की आपको और कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्वेश्चन अपने आप आपको सॉल्व करने हैं कॉन्सेप्ट मैं समझाऊंगा उसके बाद लाइव डिस्कशन होगा उसमें आपके डाउट सेशन लिए जाएंगे तो सारी चीजें सिंपल हैं सॉर्टेड हैं चलिए फटाफट से आज का मामला शुरू करते हैं तो एक छोटा सा क्वेश्चन है फाइंड एरिया ऑफ कॉर्डिलटल ए बी सी डी इन विच ए बी सी कॉसो थ्री बी सी इतना है सी डी डी ए और ए सी जिन्होंने ट्वेल्व पॉइंट वन का जैसे कॉन्सेप्ट समझाया था हेरॉन फॉमूला वो चीज़ कर ली थी ये क्वेश्चन उनके लिए बहुत आसान है बस मैं फिगर बनाऊँगा और उसके बाद आपको अपने आप समझ आ जाएगा अच्छा ये तो बहुत आसान है लाइव क्लास नहीं है अदरवाइज बच्चे कहते हैं बस सर मार कर रख दो हमें करने दो तो अब सॉल्व मैंने तुम्हें बताया था नाम लिखने का तरीका क्या होता है एक प्रॉपर ऑर्डर में होता है ए बी सी और डी ऐसे नहीं होता कि ए और बी के बाद यहाँ कूद गए सी लिखने के लिए भाई एक ऑर्डर होता है प्रॉपर या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज मतलब ए बी सी डी ऐसे लिख लो या फिर ऐसे घूम जाओ ए बी सी डी तरीका होता है एक प्रॉपर ऑर्डर में इस तरह से घूमो या फिर ऐसे घूमो ए बी के बाद यहाँ कूद कर सी पे नहीं आना है ठीक है ये सबसे पहली चीज़ है अगर यही गलत कर दोगे सारा मामला गलत हो जाएगा पता चल रहा है भाई साहब ने फिगर ही गलत बना रखी है तो ए बी फिर सी फिर डी ऐसे गोल चक्कर घूम के चाहे ऐसे घूमो या ऐसे घूमो ए बी की वैल्यू कितनी दी है भाई साहब ने थ्री दे रखी है तो यहाँ लिख लो थ्री सेंटीमीटर बी सी कितना है फोर सेंटीमीटर सी डी कितना है ये भी फोर सेंटीमीटर डी ए कितना है ये भी 5 दिया है और ए सी की बात करिए तो ए सी भाई ये हो गया तुम्हारा ए सी कितना दिया है ए सी है फाइव सेंटीमीटर इसको भी बाहर ही लिख लेते हैं जब सबके सब बाहर है तो भाई साहब ये तुम्हारी फिगर बन के तैयार हो गई तीन चार चार पांच पांच ये हो गया अब एक बात तुम देखो अब करना क्या है एक ये ट्राइंगल पकड़ लो एक ये ट्रायंगल पकड़ लो हीरोन फार्मूला सिखा रखा है ना एक पकड़ना ए बी सी ट्राइंगल ये पकड़ा तीनों साइड दे रखी है एरिया निकाल लो ये वाला ट्राइंगल पकड़ो मतलब वही वाला कॉन्सेप्ट दो बार लगा रहे हो और कर कर रहे हो अलग ये वाला ट्राइंगल पकड़ा ए बी सी तीन साइड दे रखी है तीनों को पकड़ो सॉल्व करो इसका एरिया निकल जाएगा ये निकलेगा ये निकलेगा दोनों को प्लस कर देना आंसर आ जाएगा करना क्या है ट्राई करो नहीं समझ में आएगा फिर मुझे बताना आगे चलते हैं ये अपना एक क्वेश्चन है इसको प्रॉपर पूरा सॉल्व करेंगे लास्ट क्वेश्चन आप लोगों ने जिन्होंने पिछली वीडियो देखी है ट्वेल्व पॉइंट वन वाली हिरोन सॉम्बला बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत आसान क्वेश्चन था कराने का मतलब नहीं पहनता था सिर्फ टाइम वेस्ट होता ये क्वेश्चन देखते हैं ये है ढंका क्या कह रहा है एक ट्राइंगल एक पैरलोग्राम है इनका सेम बेस है इनका सेम एरिया है सबसे पहले मैं आपको याद करवा दूँ एरिया ऑफ पैरलोग्राम होता क्या है पैरलोग्राम का एरिया जिनको पता है उनको याद करवा दो जिनको नहीं पता है वो पहली बार सीख लें क्या होता है ये एट्थ क्लास में कराया जाता था एरिया ऑफ़ पैरलोग्राम हम कहते थे बेस इंटू हाइट और एरिया ऑफ ट्राइंगल वैसे तो हमें पता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है बट यहाँ पर हमने एक दूसरा नया कॉन्सेप्ट सीखा है कि जब साइड्स दे रखी हो तीन साइड्स दे रखी हैं तो आपको हिरोन फॉमूला से निकाल लेना है तो इन्होंने क्या कहा है एक ट्राएंगल है एक पैरलोग्राम है उनका सेम बेस है यानी बेस सेम है और एरिया भी उनका बराबर है तो मैंने कहा ठीक है मेरे एकदम दिमाग में क्लिक करा कि ट्राइंगल का एरिया निकालता दूँ पैरलोग्राम का एरिया दोनों को इक्वल रख देंगे ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए आपको साइड जी में ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी एट थर्टी ऑल दो आप लोगों को पता है और आप लोग आराम से निकाल सकते हैं बट ये क्वेश्चन है इसको पूरा कंप्लीट सॉल्व कर लेते हैं ए की वैल्यू ट्वेंटी सिक्स बी की वैल्यू ट्वेंटी एट और सी की वैल्यू थर्टी सबसे पहले क्या करते हैं सेमी पैरिमीटर ऐस निकालते हैं ए प्लस बी प्लस सी बाई टू ट्वेंटी सिक्स प्लस ट्वेंटी एट प्लस थर्टी बाई टू छोटी चुछ छोटी वीडियोज़ इसीलिए बना रहा हूँ अगर आप पेशेंस के साथ देखेंगे तो आपको और इससे ज़्यादा कुछ एफर्ट्स करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी ऐड कर लेते हैं इसको कितना हो जाएगा ये एटी फोर अपॉइंट टू यानी कि आ रहा है फोर्टी टू एस की वैल्यू फोर्टी टू आ गई उसके बाद एरिया का फॉमुला मैंने तुम लोगों को बताया था एरिया का फॉर्मूला क्या होता है अंडर रूट एस एस माइनस एस माइनस बी और एस माइनस सी एरिया का फॉर्मूला होता है क्या करते हैं उधर चलते हैं और सॉल्व कर लेते हैं एरिया का फॉर्मूला निकालेंगे कैसे हम एरिया का फॉर्मूला भाई अपने पास सारी वैल्यूज़ पड़ी हैं कुछ नहीं करना उठा कर बस पुट ही तो करते जाना है पुराना काम है सब एस की वैल्यू कितनी आ चुकी है फोर्टी टू फोर्टी टू ब्रैकेट लगाया फोर्टी टू माइनस ट्वेंटी सिक्स फिर फोर्टी टू माइनस ट्वेंटी एट और फोर्टी टू माइनस थर्टी अब सॉल्व कर लेते हैं फोर्टी टू में से 26 जाएगा क्या बचेगा 16 42 टू माइनस ट्वेंटी कितना हो जाएगा 14 और ये कितना हो जाएगा 12 अब क्या करना है पुराना काम है फैक्टर करने है आप जितना जल्दी उसको सॉल्व कर सकें मुझे दिख रहा है अब करने वाले इसको फैक्टर में ब्रेक करेंगे लिखेंगे टू इंटू ब्रेक करते जाएंगे टू इंटू ट्वेंटी वन फिर ट्वेंटी वन को फर्दर ब्रेक करेंगे भैया मुझे दिख रहा है कि एक फोटीन वहाँ पड़ा है मैं क्यों ना इसको फोर्टीन थ्री दा फोटी लिख दूँ अरे मुझे तो फैक्टर बनाने से निकालने से मतलब है ना मैंने ऐसे लिख दिया 42 को लिखा 143 थ्री सा फोर्टी टू को लिखूंगा फोर फोर था है जी समझ रहे हो बात को अगर बड़े बड़े नंबर मिल रहे हैं फैक्टर तो मैं तो जोड़ा बनाकर बाहर निकालना ना खुश रहो उसमें तो फोर्टीन थ्री था फोर्टी ये फोर्टीन इस फोटीन के साथ पेयरअप कर बाहर निकल जाएगा सिक्सटी को मैंने फोर इंटू लिख दिया क्योंकि मुझे दिख रहा है भैया जोड़ा बनकर बाहर निकल जाएगा और इस ट्वेल्थ को मैं लिखूंगा थ्री इंटू ठीक है फोर्टीन और फोर्टीन का जोड़ा बना और फोर्टीन भाई साहब बाहर थ्री और ये थ्री का जोड़ा बना और भाई साहब बाहर फोर और फोर का जोड़ा बना बाहर और ये फोर अकेला पड़ा हुआ है ये फोर अकेला पड़ा है पर तुम्हें फोर का अंडर रूट पता है टू होता है अगर नहीं हो रहा है मन कर रहा है कि भैया सबके फैक्टर बने तो चुल मचिए के इसके भी फैक्टर बनाने हैं तो बना लो सबके फैक्टर बना बना के जोड़े में बाहर निकालें तो फोर्टीन फोर्टीन का जोड़ा बना बाहर थ्री थ्री का जोड़ा बना बाहर फोर फोर का जोड़ा बना बाहर और ये जो फोर आया होता है इसको भी तुमने कहा भैया टू इंटू टू लिख देते हैं इसको भी और इसका भी जोड़ा बन गया टू और टू का जोड़ा टू बाहर अब क्या करना है आंसर तुम्हारा आ रखा है तुम्हारे सामने है इसको चाहे तो ऐसे ही रहने दो तुम्हारा मन कर रहा है जैसे करना है तुम्हें सॉल्व करना है सोल्व कर रहने दो या ऐसे छोड़ना है ऐसे छोड़ दो मैं तो ऐसे ही छोड़ूंगा यूनिट लिख रहा हूँ सिर्फ सेंटीमीटर स्क्वायर क्योंकि फाइनल आंसर है नहीं थोड़ा सा बाकी अभी हाँ जी तो वो आंसर मेरा आ गया डब्बे में पैक कर दिया मैंने अब मुझे याद है इन्होंने क्या कहा था पैरलोग्राम और ट्राएंगल का बेस सेम है एरिया भी बराबर है मैंने कहा भैया एरिया ऑफ ट्राएंगल तो वो निकाल लिया मैं जानबूझ के सॉल्व नहीं कर रहा मुझे पता है कि कटिंग होनी मैं क्यों मेहनत करूँ अपना दिमाग खपाऊँ उसमें मैं आ गया मैंने कहा अभी और क्या कह रहा हो आप पैलोग्राम स्टैंड ऑन द बेस ट्वेंटी यानी पैलोग्राम का जो बेस है वो इतना और कह रहा भैया पैलोग्राम की हाइट बता दो तो मैंने कहा यार एरिया ऑफ़ पैरोग्राम का फॉर्मूला एट्थ क्लास में सीखा था फार्मूला क्या होता था एरिया ऑफ पैलोग्राम बेस इन हाइट तो भैया बेस कितना है बेस है ट्वेंटी और हाइट जी वो तो निकालनी है उसको एच मान ली ये हो गया एरिया ऑफ़ पैरलोग्राम ये हो गया एरिया ऑफ क्या ट्राइंगल उसने क्या बोला है कि भैया एरिया बराबर है मैं ना सही है बराबर अगर है तो ये हो गया एरिया ऑफ़ पैरलोग्राम और वो पड़ा एरिया ऑफ़ ट्राइंगल भैया दोनों बराबर है ना उसने खुद अपने मुँह से कहा है तो कर दो बराबर एच निकालना है ट्वेंटी एट मल्टीप्लाई में है भेज दो डिवाइड में समझ रहे हो क्यों मैंने वहाँ खेल खेला मैं डबल मेहनत करूँ पहले भाई साहब को मल्टीप्लाई करूँ फिर यहाँ कट करूँ मैंने कहा जब कटना है एक बार में कट जाएगा फोर्टीन टू जी ट्वेंटी एट टू टू ज़ा फोर या टू अंदा टू पे काट दिया फोर थ्री दा ट्वेल्व और हाइट मेरी आ गई बारह सेंटीमीटर एक छोटा सा एग्जांपल और समझाता हूँ छोटी सी चीज़ है पूरा सॉल्व नहीं करूँगा सिर्फ तुम्हें मैं दिखा रहा हूँ कि किस तरह के खेल यहाँ खेले जाएंगे और पैकअप करते हैं आज तो आज का आखिरी सवाल छोटा सा है सबसे पहले ये बता दूँ ये सारे मिलके पागल बना रहे हैं है कुछ नहीं एक हीरोन फॉर्मला सीख लिया भाई साहब वही हिरोन फॉर्मला पूरे में रगड़े चले जाओ 12.1 में भी वही 12.2 में भी वही 12.2 में टू में रहे रहें क्वारेटर लेकर आ गए अब काट कर दो ट्राइंगल बना दिए रोमबस लेकर के आ जाएंगे ये लेकर के आ जाएंगे एक ट्राइंगल दे दिया इंटू पांच कर दिया इंटू दस कर दिया हम आगे देखेंगे शेप्स अम्ब्रेला का क्वेश्चन आ जाएगा भाई एक ही चीज़ निकाल रहे हो वही बार बार घूमती जा रही है वही बार बार घूमती जा रही है हीरोन फॉर्मला बस वही एक कॉन्सेप्ट वही एक फॉमूला और कुछ भी यहाँ नहीं है अब इस वाले क्वेश्चन में एक पुराना ज्ञान चेक करा है वो रोमबस के बारे में कि रोमबस क्या होता है तो रोमबस बस एक क्वाडर लेटर होता है चार साइड की शेप होती है जो कि सारी साइडें बराबर होती हैं क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले क्वेश्चन जरा अपने हिसाब से बनाया है थोड़ा सा लोग कह देंगे ये क्या बना दिया भाई अरुम्बस शेप्ड फील्ड एक रोमबस के शेप का एक रोमबस की शेप में एक मैदान है खेत है जो भी है उसमें हरी घास है ठीक है जी अट्ठारह लाइन्स के लिए ये इसीलिए बोल्ड में डाल रखा है मैंने अट्ठारह लाइन्स के लिए क्या जी शेर हमने अपने शेर पाले हैं सवाल मेरा है ना मेरा सवाल है मैं खिलाऊँगा मेरे शेर भी घास खाएंगे अब यहाँ पर इस केस में जो बाकी हर भी वोर्स हैं वो कह रहे हैं मैं क्या फिर जॉब छोड़ दूँ तो है क्या कि अट्ठारह हमने शेरों के लिए घास खिलाने के लिए एक मैदान बना रखा है अब हर साइड जो है रोमबस की वो तीस मीटर की है शेर कह रहा होगा भैया मेरे से क्या दुश्मनी थी जेरी? मुझे क्यों घास खिलवा रहा है बाकी हर भी के लिए कॉम्पटिशन और बढ़ गया कहीं यहाँ भी आ जाए यहाँ भी ना जींद दे तू हमें थर्टी मीटर थर्टी मीटर थर्टी मीटर थर्टी मीटर सारी साइडें हो गई और वो भाई साहब ने कहा है एक डायगनल आपका फोर्टी एट मीटर का है ठीक है सेट है क्या कह रहा है कह रहा है हाउ मच एरिया ऑफ ग्रास विल ईच लाइन गेट हर शेर को हर के शेर के इससे कितनी घास आएगी तो इमेजिन कर पा रहे हो शेर आपस में लड़ रहे हैं भाई मेरी घास है रे मेरे इलाका है ये तो तुमने करना क्या है पूरे का एरिया निकाल लो यू हैव टू गेट के पूरी घास है कितनी तो क्या करोगे एरिया निकालोगे कैसे निकालोगे फॉर्मुला थर्टी थर्टी फोर्टी एट ए बी सी मान लिया एरिया निकल जाएगा और मजे की बात यह है कि ये दोबारा जैसे एक जो सबसे पहला क्वेश्चन था क्वार का याद है एक इसका भी निकाला था फिर इसका अलग से निकाला था यहां पर आप देख रहे हो कि साइड एग्जैक्टली uh, सेम exactly है थर्टी थर्टी फोर्टी एट यहां भी थर्टी थर्टी फोर्टी एट तो आप ये निकालोगे इंटू टू कर दो आपको पूरे रोमबस का एरिया आ गया पूरे रोमबस का एरिया आ गया यानी पूरी टोटल आपके पास घास आ गई ओवरऑल टोटल घास कितनी है अब वो घास कितों में बटेगी भाई केक कटेगा सब में बटेगा अट्ठारह शेर खड़े हैं टूटने पे को उस घास पे तो पूरा घास का इलाका आपके पास आ गया क्या करोगे डिवाइड कर दोगे 18 से और तुम्हें ये पता चल रहा है कि भैया हर शेयर के हिस्से कितनी घास आएगी तो इसी के साथ हमने अपनी शेर को घास भी खिला दी और अपना ये चैप्टर का कॉन्सेप्ट पूरा कंप्लीट हो चुका है तुम लोगों का काम यह है कि क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे जब तक क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं होंगे तब तक मेरे भाई आप कुछ नहीं कर पाओगे मैं डाउट सेशन की क्लास लूँगा वो वही हो जाएगी कि तुम बैठकर मेरी शक्ल देख रहे हो जी सर बोलते जा रहे हैं हम सुनते जा रहे हैं डाउट लेकर के आओगे एक्स्ट्रा क्वेश्चन ट्राई करो आर ऐसा घर वाले ऑडिशन में दस जगह से जहाँ तुम्हारा मन करे तुम और डेफिनेटली मैं तो सेकंड फेज स्टार्ट करूंगा ही मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराऊंगा लेकिन अगर तुम उससे पहले स्टार्ट कर ले तो तो क्या बुरा है अब तो यार दोस्तों में सिलेबस भी बढ़ गया कितना जरा जरा से चैप्टर रह गए तुम लोगों के तो भाई आराम से मौज है तुम लोगों की प्रैक्टिस करो मेहनत करो वीडियो समझ में नहीं आया करे कोई चीज़ समझ में नहीं आया कॉमेंट सेक्शन तुम्हारे लिए है पूछो मुझसे वीडियो को शेयर कर दिया करो शेयर करोगे तभी लोगों तक पहुँचेगी और डाउट सेशन के लिए तैयार रहना मैं इन्फॉर्म कर दूंगा इस वाले चैप्टर का डाउट सेशन कब होगा मिलेंगे अगली वीडियो में तब तक के लिए ओवर एंड आउट